अरे छोड़ देना, जाने देना उसे, ऐसे कुत्ता को मर जाना चाहिए, जीने का अधिकार नहीं है उसको, धरती पे बोझ है वो। दोस्तों हम बहुत देर से ढूंढने जा रहे हैं पर नहीं मिल रहे हैं, एक अंकल ने बताया है अभी। तुम लोग जियो या मर जाओ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिए या मर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बोल देना भाई साहब से, हम कतई नहीं रोक सकते हैं, एक सेकंड भी नहीं रोक सकते, हमारे बस का है ही नहीं। ना ना हम नहीं रोक सकते हैं इसको, जहाँ मर्जी वहाँ जाए, मर जाए डूब जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ जा रहे हो? इसके वजह से हम नहीं, हमारे वजह से ही है, हम इससे नहीं है। भैया क्या हुआ है? ये हमसे है, इसको जो मन में आए वो करे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। जाए घर छोड़ के चला जाए, शहर छोड़ के चला जाए, कहीं जाके कट के मर जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। जहन्नुम में, जहन्नुम जानते हो ना, वही जा रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे यार, नौकर थे, नौकर ही रह गए। कुछ हुआ भी तो उसका बात बताओ ना। कुछ नहीं हुआ, सुन रही हो ना, आपसी मैटर है, तुमको उससे जाने दो, कोई फायदा नहीं। तो आपसी मैटर है तो घर में सुन। अरे छोड़ देना, जाने देना उसे, ऐसे कुत्ता को मर जाना चाहिए, जीने का अधिकार नहीं है उसको, धरती पे बोझ है वो, धरती पे बोझ है उसको, उसके जैसे इंसान धरती पे बोझ है, वो जो चाहेगा वही करेगा, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं है। झूठ मूठ का बोलता है कि हमारे बड़े भैया हैं, हमारे एक और बड़े भैया हैं, हमारे भाभी है, माँ समाज, कोई कुछ नहीं है उसके सामने, कोई कुछ नहीं है, जो है सो वही है, जो वो कहेगा वही होगा। बात तो बताओ भैया, किस बात पे लड़ाई हुई है, क्यों झगड़ रहे हो सुबह सुबह? क्या बताए, कुछ बताने लायक है ही नहीं, भागत नालायक है एकदम, जाने तो चला गया, अच्छा हुआ। भैया गुस्से में हो रहे हैं बहुत। तो क्या करें, गुस्से में हो रहे हैं तो आरती उतारे उनका, पूजा करे जाके उनका। आपको पता है उनका गुस्सा कुछ उल्टा सीधा हो गया तो अच्छा है, धरती पर से बोझ कम हो जाएगा। बात तो बताओ, बात क्या हुई है? क्या बताए, अच्छा खासा उसका कहीं रिश्ता तय कर रहे थे, सब चीज ठीक ठाक था, लेकिन किसी और लड़की से यहाँ फंसा हुआ है, कह रहे हम उसी से शादी करेंगे नहीं तो हम डूब के मर जाएंगे। तो बोलना चाहिए ना पहले उसको, अब यहाँ, अब यहाँ वहाँ हम सब मिलकर ठीक कर दिए, अब वहाँ भी मना करते हैं तो बेइज्जती होगी। आपको कैसे पता लड़की का चक्कर है? खुद बोल रहा है ये, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वरना अपने अपने जुबान से खुद बोला है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा, तो पहले बोलना चाहिए ना। अभी तो चल दो भैया, गुस्से में गए हैं, कुछ हो जाए तो। हो जाने दो, हम नहीं जाएंगे, तुमको जाना है, जा। भैया बड़े भाई हो आप उनके। तो बड़े भाई है तो क्या करें, हम गला धाम अपने घोट के मार दें, खत्म कर ले अपने आप को। अगर वो अभी वैल्यू नहीं कर रहे तो आप तो करो। जो समझदार होता है समझने लायक ही समझाया जाता है, ज्यादा नहीं समझाया जाता है, इतना बेवकूफ नहीं है वो। चल दो भैया, अच्छा बैठ के बात कर लेंगे, बुला के ले आते हैं। मतलब अब उसके अनुसार से हम चलेंगे कि हम उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे, इतना दिन से तो हमने नहीं कभी कुछ पूछा उससे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठ के बात कर लेंगे, आप अभी चलो। चलो भाई है आपके छोटे, आओ जल्दी। चल प्रिंस ले चल कैमरा, काम करते हैं ना, कोई ज्यादा कम नहीं करते, ठीक है? दोस्तों हम बहुत देर से ढूंढे जा रहे हैं पर नहीं मिल रहे हैं, एक अंकल ने बताया है अभी कि मेट्रो की तरफ गए हैं, तो हम वहाँ से रिक्शा लेके मेट्रो में जा रहे हैं। भैया गलती है पर आपकी भी, क्या गलती है, इसलिए बना रहे हैं कि कुछ हो ना भगवान जी, तुम्हारे चलते निकल गए ना, तो हम तो ढूंढने भी नहीं जाते उसको। भैया भाई हैं आपके छोटे, अपने मन मानी कर रहे हैं उसको ढूंढने की कोई जरूरत, अभी चलो आप जल्दी भाई वो निकलना जाए। चलो 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 दौड़ के, चलो दौड़ के, चलो इससे बैठो, इससे बैठो। देखो जाते हैं मेट्रो को, देखो वहाँ पे कुछ समझ में आता है।
इसीलिए, नहीं तो मैं तो वहीं पे पकड़ के उसको मारता। नहीं भैया अभी उसके साथ शांत हो जाए, घर पे चलेंगे बात करेंगे। जब देखो तब जब वो तो सब सुधार छोड़ के चल जाता है, एक दिन क्या हुआ। कोई बात नहीं भैया, छोटे ही है ना आपसे, एक बार आप मेट्रो पहुँच जाए उसके बाद बात कर। पीछे ही तो थे उसके, इतना ज्यादा क्या चला पता नहीं कहाँ चले गए। भैया इस स्टेशन के अलावा और कहाँ गए होंगे? आगे में जस्ट आगे, अगर आया होता ना तो उल्टी की तरफ। एक काम करो तुम इस साइड पता करो, मैं जा रहा हूँ उस साइड पता करो। ठीक है, ठीक है भैया, जो भी होगा जल्दी बताना। ठीक है। क्या वो भैया इधर नहीं है, जो इधर ही आएगा वो, क्योंकि जाने वाला साइड यही है, जब भी आएगा इसी साइड आएगा। हाँ उस साइड देख लिया, सब देख लिया, उस साइड नहीं है, उस साइड जा भी नहीं सकता है क्योंकि वो आने वाला साइड है, जाने वाला साइड यही है। इसी में पता चल जाएगा कि हाँ वो कहाँ आएगा। आओ। चले गए? हाँ। इसी में थे? हाँ भैया यहीं पर ही है, देखो जल्दी आओ। पक्का देखी है ना? हाँ देखा है मैंने। मेट्रो तो चला गया है, अगला मेट्रो पे चलते हैं। पक्का? मैं कैमरा तो चालू किया था, अगर होंगे तो इसमें भी आया होगा पक्का। देखियो रोक करके देख लिया था, मिला नहीं। आपने देर कर दी ना, लेकिन हम तो आनंद विहार स्टेशन तक भी जाकर ढूंढ के आ गए, पता नहीं चला। आनंद विहार स्टेशन भी मैं जाके पता करके आ गया, वहाँ भी ढूंढ के आ गया, दो घंटे तक परेशान रहा, लेकिन कुछ ऐसा पता नहीं लगा। हमारे यहाँ जो ट्रेन जाती है उस ट्रेन में भी मैंने पता की, कुछ पता नहीं चला। फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है अब। इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैसे भी हमारा वो ढूंढने का कोई प्लान नहीं था, तुम्हारे चक्कर में हम निकले थे, गया घर गया कोई बात भाई, भाई, भाई ना है ना। तो नहीं समझेगा तो क्या होगा, घर गया हो। अच्छा क्या करें हम? अब घर गया ही, कहाँ गया तो पता नहीं है, कल पर पता चलेगा शाम को कि घर अगर गया होगा तो घर वाले अपने बोलेंगे कि घर आया। अरे ड्रामा बंद कर दे, हाँ नहीं तो हम तेरा भंडा फोड़ देंगे। तू अपना भंडा तू खुद फोड़ दे, नहीं तो हम फोड़ देंगे तेरा भंडा। चले गए दोस्तों फाइनली, ये हमारा गांव है, दूसरी शादी करने जा रहे हैं हम, पहली शादी करा दी हमारा, कोई चक्कर वक्कर नहीं है, प्रैंक था आप लोगों के साथ, आप सभी के ऊपर, हम सभी लोगों ने प्लान करके एक प्रैंक किया था आप लोगों को। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग के साथ जो प्रैंक हुआ वो कैसा रहा। अरे कोई लड़की उड़की का चक्कर नहीं है, कोई मेरा शादी वादी का चक्कर नहीं है, सो जो भी था सब प्रैंक था, नहीं आप लोगों के लिए झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। ये इंसान दहेज लेना चाहता है मेरे शादी में, दहेज लेना कोई गलत बात, तीन चक्का वाला कार चाहिए, दहेज तो तुम भी लोगे, दहेज नहीं लेना है हमको, अच्छी लड़की होनी चाहिए बस शादी करने। ठीक है चलो, नहीं करना है अभी, तीन चार साल के बाद शादी करनी है। चलो चलो।